नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2446 दरोगा बहाली मामला। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये परीक्षा बिहार की सबसे विवादित दरोगा बहाली परीक्षा रही है। इसके हर एक स्टेप पर इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया है, चाहे पीटी का मामला रहा, मेंस का मामला रहा और उसके बाद फिजिकल जब शुरू हुआ 22 मार्च से, तो अभ्यर्थी एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंचते हैं और अब कट ऑफ का मामला तो चल ही रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फिजिकल के समय विवाद हुआ वो टाइगर जंप को लेकर हुआ। बिना सूचना टाइगर जंप बैन कर दिया गया। जब अभ्यर्थी फिजिकल देने पहुंचे थे तब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि टाइगर जंप बैन हो गया है, जबकि इसके पहले जो 1717 दरोगा बहाली हुआ था या फिर हाल ही में उससे जनवरी और दिसंबर के बीच में सिपाही भर्ती का भी जो फिजिकल हुआ था उसमें भी टाइगर जंप चल रहा था। इसी को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट, और आज उसकी हियरिंग भी हुई है। दो ऐसे अभ्यर्थी हैं हमारे साथ जो इस हियरिंग के दौरान, वहाँ ऑनलाइन जो हियरिंग हुई थी उसमें मौजूद थे, तथा अन्य दो और अभ्यर्थी हैं जो टाइगर जंप की वजह से छट गए हैं और इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले उनसे जुड़ेंगे जो इस हियरिंग में मौजूद थे। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार है मेरा। चंदन कुमार, मेरा 22 मार्च को फर्स्ट शिप में ही था और जब हम दौड़ पास किए वहाँ उसके बाद गोला भी थ्रो कर दिए। अच्छा। उनके बाद हमको बताया गया कि आप वन लेग जंप कर सकते हैं, टाइगर जंप अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने एक बार किया और क्वालिफाई भी किया, फिर भी आयोग के द्वारा सुनीत कुमार जी से मेरा डायरेक्ट हम रिक्वेस्ट किए जा करके, उनके बाद हमको पकड़ के रख लिया गया 3 से 4 घंटे के लिए। मेरा 2 चांस भी था सीजर की प्रैक्टिस के लिए, वो भी नहीं दिया गया, हमको जबरदस्ती डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब कहने का अर्थ है आपका कि 3 चांस मिलता है जंप के लिए, आपने एक किया, आपने क्वालिफाई किया था, उसके बाद आप पहुंचे थे सुनीत कुमार जो चेयरमैन है बीपीएसएससी के, और कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जंप बैन नहीं करना चाहिए, और उसके बाद आपको 2 और जो चांस था वो आपको नहीं दिया गया। आज जो हियरिंग हुई उसमें क्या मामला आया? आज हियरिंग हुआ तो हमारे जो संजीव रंजन सर हैं हाईकोर्ट के, बहुत अच्छे वकील हैं, उन्होंने उनसे जवाब मांगा और उनसे पूछा कि आप जो एडवर्टाइजमेंट जारी किए हैं उसमें तो केवल और केवल दिया गया है कि 4 फीट आपको क्वालिफाई करना जंप, इसमें प्रोसेस नहीं दिया गया है। और आप पिछले दो वैकेंसी से SI के जो पिछले दो वैकेंसी हुआ है 1717 और 126 एक्साइज वाला, उसमें आप ले रहे थे, तो आपने क्यों बैन किया ड्यूरिंग द प्रोसेस बिना बताए जानकारी के? तो जज साहब भी पहले एडवर्टाइजमेंट देखें वो जज साहब, उसके बाद उनसे जवाब पूछें, तो वो बोलें कि एथलेटिक्स में टाइगर जंप अलाउड नहीं है। तो जज साहब उधर से बोलें कि लेकिन आप ये तो इसमें मेंशन नहीं किए हैं, आपका इनका केस तो वाजिब बनता है, आप 2 सप्ताह के अंदर हमको जवाब दीजिएगा आप क्यों बैन किए हैं इसको। तो इसी पर यही अभी आज का यही सुनवाई है आज, और 2 सप्ताह के अंदर आयोग को जवाब देने को कहा गया है कोर्ट में कि आपने बिना अग्रिम सूचना के ये जंप बैन क्यों किया। आप भी शायद वहां पर मौजूद थे, आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी कुमार हुआ। जो ये बोल रहे हैं इसके अलावा भी क्या कुछ बातें हुई वहां पर? नहीं, कुछ ज्यादा बातें नहीं है, बस उनके वकील जो थे कुणाल तिवारी नाम के थे और जो एक और भी है उनका नाम संजय पांडे भी है, अब पता नहीं दोनों में से कौन थी हमको नहीं पता है, लेकिन उसको ज्यादा बोलने का मौका दिया ही नहीं गया, डायरेक्ट बोले जो 2 सप्ताह के अंदर आयोग को जवाब देना पड़ेगा। आयोग को जवाब देना है कि आखिर बिना सूचना जंप बैन क्यों किया गया। और हमारे साथ एक और अभ्यर्थी, आपका नाम क्या हुआ? हम सुधांशु सिंह है। क्या आपका मैटर रहा है? मैटर टाइगर जंप की लेकर ही है, जो भी हुआ हम टाइगर जंप के लेकर, मतलब फर्स्ट डे था फर्स्ट शिफ्ट में था, मैंने रनिंग कंप्लीट किया, गोला भी मैंने, और गोला भीने के बाद मैंने फर्स्ट जंप के लिए गया तो मतलब कि नहीं करना है टाइगर जंप, मैंने क्वालिफाई किया फिर भी बैन कर दिया गया कि नहीं करना है। मतलब कि आपने टाइगर जंप मारा और क्वालिफाई किया, लेकिन कहा गया कि आपको ये जंप नहीं करना है, अन्य जो सीजर जंप अलाउ है या फिर बेली भी शायद अलाउ था तो वो आप करके पास करते हैं, टाइगर जंप आपको नहीं करना है। ये आपका नाम? मेरा नाम पप्पू कुमार चौधरी पड़ेगा। तो आपके साथ भी यही समस्या? हाँ, 22 तारीख का मेरा भी फिजिकल था, सेम फर्स्ट शिफ्ट में, जो भी प्रोसेस हम लोगों ने दोस्त सारे बताए सारी चीज़ वहाँ यही बात हुआ है। अब देखिए हम लोग ने तो कोर्ट का रुख अपना लिया है, जो भी वकील संजीव रंजन है सही है, और एक आदमी का नाम लूंगा जो फिजिकल ट्रेनर मोनू रंजन सर हम लोग को बहुत साथ दिए, गर्जीवन की तरह साथ मेरा छोड़े नहीं, बहुत लोगों ने बोला अच्छे नहीं ये होने, लेकिन हम लोगों ने विश्वास किया और हम लोग उस चीज़ पर खड़े भी उतरे हैं।
और आज की बहस में तो यही हुआ है, उम्मीद तो है कि न्यायपालिका हम लोग का साथ न्याय करेगी। कितने अभ्यर्थी कोर्ट गए इस मामले को लेकर? इस लेके 250 प्लस है, 250 प्लस है हम लोगों में, मतलब कि 250 अभ्यर्थी इस टाइगर जंप के मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट गए हैं और आज पहली सुनवाई हुई और इसमें आयोग से जवाब मांगा गया है। कोर्ट का ये साफ कहना है कि इन्होंने जो याचिका लगाई है वो वाजिब नजर आ रही है। आप जो आयोग है, आपने बिना अग्रिम सूचना के अगर इसे बैन किया तो क्यों किया, ये कारण आपको बताना होगा और अगली सुनवाई होगी जब उनका जवाब। हाँ, दो वीक के बाद आयोग को बोला गया कि आप जवाब लेकर आइए कि आप बिना एडवर्टाइजमेंट और बिना किसी सूचना के आप एट ए टाइम ग्राउंड पर किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मतलब बिना नोटिफिकेशन के आप बैन कर दिए कि टाइगर जंप नहीं करना है। क्या है कोर्ट से आप? हमको तो 100% उम्मीद है कि हम न्याय हम ही लोग को मिलने वाले हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि अगर आपको न्याय मिली तो आपके साथ अन्य कई और अभ्यर्थी होंगे जिस वजह से वो भी टाइगर जंप की वजह से शायद सेलेक्ट ना हो, तो उनके साथ भी हो और शायद उनका आगे जो भी प्रोसेस हो वो आयोग ले। लेकिन एक और बात, मैं आप सभी चार अभ्यर्थी हैं तो मैं चाहूँगा एक और पूछना कि एक सवाल आप लोगों पे भी खड़ा हो रहा है कि जिस प्रकार से आप अभ्यर्थी बट जाते हैं किसी भी मामले को लेकर, पीटी में जो पास हुए और जब पीटी में पेपर लीक का मामला आया तो आप लोगों ने साथ नहीं दिया, मेंस में जब मामला आया तो जो पास हुए उन्होंने पीछे वालों का साथ नहीं दिया, फिर फिजिकल में जब ये मामला आया अब कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स भी आने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों की यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा, हम लोग की यूनिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ने इतिहास में हमेशा पढ़ता है फूट डालो शासन करो की नीति, यहाँ हम लोग के साथ वही हो रहा है। जिसके पल्ले में जो पड़ रहा है लेके भागने के चक्कर में है और ये नहीं सोच रहा है कि इस दौड़ में बाबू तुम अकेले नहीं हो, यदि तुम्हारा पिछला साथी यदि गिर गया तो तुम आगे जाओगे तो अगला सीढ़ी पर तुम भी जरूर गिरोगे, ये 100% है। ये बात आपका सही है, देखा भी जा रहा है, लेकिन हमने जो है बहुत हद तक सपोर्ट किया है। मेरा दिलीप जी से बात होते रहता है बीच बीच में, हम उस समय मेंस पास होने के बावजूद भी कोचिंग जा करके हम स्टूडेंट को एकजुट करके आंदोलन में भाग लिए थे, फिर भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर गए हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे और कमेंट में ज़्यादातर कुछ से कुछ अगेंस्ट में बोला जा रहा था, स्टूडेंट के अगेंस्ट में, इसी का फायदा उठाते हुए BPSSC हम लोग के साथ इस तरह कर रहा है। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि छात्रों के बीच में यूनिटी रहे, क्योंकि BPSSC के बारे में तो एक बात अब प्रचलित हो चुकी है कि कोई भी समस्या हो आप कार्यालय जाइएगा आपको वहाँ भी जवाब नहीं मिलता है, कॉन्टैक्ट के संबंध में उसके वेबसाइट पे कोई भी फ़ोन नंबर ना मेल एड्रेस दिया गया है, कोई सूचना आप वहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते। कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आया जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी अभी तक दौड़ रहे हैं हाईकोर्ट, वो भी गए हैं फिजिकल में, जैसा कि इन्होंने बताया कि टाइगर जंप बैन हो गया, कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने जवाब मांगा है। देखिए बात तो है कि अब आयोग को जवाब तो हर कदम पे देने हैं, भले ही उसने फाइनल मेरिट लिस्ट या रिजल्ट जारी कर दिए हैं, न्यायपालिका पर अभ्यर्थियों को भरोसा है और ये अभ्यर्थी वहीं पर गए हैं और कोर्ट ने अब जवाब मांगा है। अब 2 हफ्ते बाद पता चलेगा कि आखिरकार आयोग BPSSC इस संबंध में क्या जवाब देता है। आगे की भी अपडेट हम आप तक इस संबंध में जरूर पहुँचाएंगे, आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।